ठीक है फिर क्या हुआ बोल। मुझे बोला कि घर पर कोई नहीं है, आजा मेरी घर। तेरा तो निकल पड़ा, फिर क्या हुआ? मैं तो चला गया खुशी खुशी। जब उसके घर के पास पहुंचा तब मुझे कॉल करके बोल रही है कि अचानक उसके घर पर उसकी दूर का रिश्तेदार आ गया। फिर क्या हुआ? और क्या होता, मैंने घंटों तक उसके घर के बाहर इंतजार करते रहा। फिर क्या हुआ? 2 घंटे बाद उसके घर पर उसकी मम्मी पापा आ गया। तू तो बच गया। और उसके बाद मेरे जेब की कमरे की पाइप से फूर करके उसकी एक्स बीएफ नीचे नाम कर छू हो गया। हंसो मत दादी, सोचा था जेब के साथ मजे करेंगे और उधर मेरा पोपट हो गया। हंसो मत दादी, मेरा सीने में आग जल रही है। और चिंकी बता, तेरी क्या हाल है? ठीक से पढ़ाई कर रही है ना? हाँ हाँ दादी। ठीक है, फिर कुतुब मीनार कब बनाया था बोल तो जरा। क्या दादी, आपको इतना भी नहीं पता? आप ठीक से पढ़ाई नहीं किया था क्या? इतने साल बाद आपको ये बात पता करनी है क्यों? चुप नटखटी, मैं तेरी याददाश्त चेक कर रही हूँ। रुको दादी, अभी मैं गूगल से निकाल देती हूँ। मैं तुझे बोलने को कहा, आप बीच में गूगल को घुसा रही है क्यों? दादी तुम्हें पता नहीं, अब हम लोगों का दिमाग का दूसरा नाम है गूगल। ठीक है मैं समझ गई। कुतुब मीनार को छोड़, जल्दी से खाना खा ले, मुमताज की कब्र देखने जानी है। लेकिन वो तो आगरा में है। ओए नटखटी, मैं मेरी बहन मुमताज की बात कर रही हूँ जो पिछले साल मर गई थी। समझी चिंकी, अच्छे से पढ़ाई करना, अगर पढ़ाई नहीं किया तो डिग्री नहीं आएगा। मैं ये बात नहीं मानती। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर तो पढ़ाई नहीं करता, फिर भी उसके पास डिग्री है। क्या? चिंकी तू बता तो जरा, जीने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? प्यार। क्या? तो फिर ऑक्सीजन क्या करता है और पानी किस लिए पीती है? सिर्फ मूतने के लिए? हाँ। क्या रे चिंकी, तू इतना खुश क्यों है रे? मेरी बेस्ट फ्रेंड का बात आज सच हो गया। कौन सी बात? मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बोली थी कि मैं एक दिन कुछ अलग करूंगी। अच्छी बात बोला, तो फिर ये बात सच कैसे हो गया? मैंने आज उल्टी सीधी बातें बोलकर मेरी फ्रेंड को उसकी बॉयफ्रेंड से अलग कर दी।